लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। ये छोटा सा वीडियो होगा और ये वीडियो है मैडम जी का, जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, ठीक है, सरिता पटेल टेक, ठीक है, इन्हीं का ये वीडियो है। तो इनकी एक वीडियो मैंने देखी। इस वीडियो के अंदर वो बता रही है कि आपको लिंक कॉपी करना है, लिंक वहाँ पर डालना है, ये करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहना क्या चाहती है। लिंक आपने कॉपी यहाँ पे देख सकते हो, नीचे कॉपी यूआरएल टू शेयर दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमने लिंक को कॉपी किया, उसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपने नोटपैड पे कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या है, अनलॉक लिंक। मतलब जैसे हम अभी अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, उनको वीडियो के अंदर मजा नहीं आता, तो भाई वो हमारी वीडियो भी नहीं देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अब डायरेक्ट हम लिंक कॉपी करते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखते हैं, और देखते के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा बताया है उन्होंने। आगे देखिए क्या बोलते हैं। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने चैनल का एक लिंक क्रिएट कर लेना है और ऐसे वीडियो आपको अपने चैनल पे बना के रखनी है जिसमें आपने सस्पेंस क्रिएट किया हो। मतलब जिस वीडियो को देखने के लिए लोग उतावले रहें, और ऐसे वीडियो आपको क्रिएट कर लेनी है, सस्पेंस वाला एक वीडियो क्रिएट करना है, उसके बाद उस वीडियो की लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा आपको अपने चैनल का लिंक बना लेना है। जब आप लिंक को किसी के साथ शेयर करोगे तो भाई वो क्या करेगा, वो आपके डायरेक्ट वीडियो को नहीं देख पाएगा, उसको पहले आपका डायरेक्ट वीडियो को नहीं देख पाएगा, ठीक है, चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपकी वीडियो को देख पाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 100 लोगों को अपनी वीडियो को शेयर किया और आपकी वीडियो सभी लोगों को ऐसी लगी जिसमें सस्पेंस क्रिएट किया है, मतलब देखने में वो लोग बिल्कुल उतावले हो जाए, तो वो लोग जब आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उनको आपके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग आपके चैनल को, मतलब चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद ही आपकी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। देखिए जो आ रहा है सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और देखिए सिंपली आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से जब आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तभी वो लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब पे हमने क्लिक किया। अगर हमें सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो दिखानी है तो वीडियो के अंदर सस्पेंस क्रिएट क्यों करना है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी है तो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जो हमारा यूट्यूब देखने वाला, हमारा वीडियो देखने वाला कोई भी आदमी है, अगर हमारी वीडियो उसको अच्छी लगती है तो वो सब्सक्राइब बिल्कुल करेगा। लेकिन ये सब करने से पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए और डेली वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं और अपने कंटेंट पे अच्छे से वर्क करते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लगता है तो आपकी चैनल को तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब 100% करेंगे। और ऐसी बातों से कोई भी आपको सेंस नहीं बनता है कि इस तरह से आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के बाद आप पैसे कमा सकते हैं, कोई भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह से कोई भी काम ना करें, और कोई भी वेबसाइट आपको सब्सक्राइबर नहीं दे सकती है, सब्सक्राइबर देगी तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था। आज भी मैं बाहर हूँ तो आज इस तरह से वीडियो बनाया है, सरिता मैडम का वीडियो है। और सरिता मैडम अगर मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये सब मानता नहीं हूँ। वेबसाइट ये सब इस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, हमारी चैनल के ऊपर कोई भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर हमारी चैनल को हमें अच्छा बनाना है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो हमें जेन्युइन तरीके से काम करना होगा और हमारी चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियो अपलोड करना होगा। तो बस आज के वीडियो में यही था, मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।